सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं, आज हमारे पास एक हैंडसेट है, सैमसंग M51, जिसको हम M515F भी कहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो हमने डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे पहले ऑलरेडी चेक कर लिया है, जो कि बिल्कुल सही है। डिस्प्ले ये ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। देख सकते हैं डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ से पहले लगेगा सब पीसी भी में, उसके बाद यहाँ से होकर के सारे सप्लायर ये बोर्ड टू बोर्ड पीसी से आपकी फ्लक्स से ऊपर तक जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा फ़ोन में ग्राफिक का प्रॉब्लम है। तो अभी आज हम इसमें सीपीयू रिवॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको डीसी से भी ऑन करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए एक बार डीसी से ऑन कर लेते हैं। हैंडसेट हमने देखा है पूरी तरीके से ऑन हो रहा है, बट इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये हैंडसेट अभी ये डीसी से अभी ऑन नहीं हो रहे हैं मेरे। एक बार और ट्राई करता हूँ। हालांकि बैटरी से ऑन हो रहा है, बट मैं आपको दिखाने के लिए डीसी से ट्राई कर रहा था। चलिए एक और बार देख लेते हैं, या मेरे केबल में भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं वीबैट का सप्लाई लगा लेता हूँ और फिर से पावर की प्रेस करते हैं और प्रेस करके चेक करेंगे। फिर से पावर की को प्रेस करेंगे। ये देख सकते हैं अभी ये हैंडसेट ऑन हो गया है, बट इसमें फ्रेंड्स कोई भी ग्राफिक नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, आपको दिख पा रहा होगा। तो अभी इसमें हम एक बार सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइनें जो है हमने ऑलरेडी चेक कर ली है। देख सकते हैं इसका ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये 1.8 हमारा वीरेक पावर एसी से वोल्टेज आता है, ये हमारे 3.0, 1.5 और टीयरिंग और VIO 1.8 सारा कुछ जो इसमें ओके है लाइनों में, सारा ट्रैकें हमारी सही है। और अगर लाइट की बात करें LCD में, लाइट में यहाँ पर 7.3 वोल्ट और इनेबल 1, इनेबल 2, और यहाँ पे आपको +5 और -5 की सप्लाई आती है। तो ये सारा GR तो ओके है, बट फिर भी मोबाइल के अंदर कोई ग्राफिक नहीं बन रहा है। तो क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चेकिंग हमने ऑलरेडी कर ली है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली सीपीयू एक बार रिवॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले सब पीसीबी का ये फ्लक्स को निकालते हैं पत्ते को, और उसके बाद इसमें जो सीपीयू लगा है क्वालकम सीपीयू है SM7150, उसको निकालते हैं, रिवॉल्व करते हैं और अच्छे से लगाते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। 7150 जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीपीयू उसमें है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वालकम सीपीयू उसमें लगा है SM7150, और ये ग्राफिक आईसी इसमें यहाँ पे लगी है DOS15। तो ये सारा कुछ ओके है यहाँ पर, बट ग्राफिक फिर भी इसमें नहीं आ रहा है। ऑलरेडी आईसी चेंज कर ली है। चलिए सीपीयू एक बार निकालते हैं और निकाल करके हम चेक करेंगे और रिवॉल्व करके वापस से इसमें लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फ्लक्स डाल लेते हैं थोड़ा सा।
और ये सीपीयू ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें पेस्टेड सीपीयू आता है, वाइट पेस्टेड, और ऑलरेडी इसको रिवॉल्व कर दिया है किसी ने। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीपीयू मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो चलिए सबसे पहले पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं, और क्लीन करने के लिए लगेगा हमको डिसोल्डरिंग वायर और आयरन। थोड़ा सा फ्लक्स हम यहाँ बढ़ा लेंगे। सीपीयू तो हालांकि सही लगा है फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं, हो सकता है कुछ भी निकात मिस हो गई हो या फिर सही से रिबॉल ना हुआ हो। कुछ बॉलें बड़ी छोटी हो जाती हैं तब भी इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हम सीपीयू डायरेक्टली रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है, तो फॉल्ट हमको यहीं से लग रहा है। जब आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो सबसे पहले आपको कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करनी होती है, और ग्राफिक के लिए बहुत सारी सप्लायें होती हैं, मीपी लाइंस हो गया या टीयरिंग लाइन हो गई या फिर आपकी रीसेट लाइन, सारी चेक करनी होती हैं। थोड़ा सा बाजू रख देता हूँ मैं। एक बार चेक कर लेते हैं कोई ट्रैक यहाँ पर मिस तो नहीं हुई है। तो क्लीन करके तो जो पिन डैमेज है वो सारे एनसी पिन है, अच्छे से आपको चेक कर लेना है कोई ट्रैक मिस नहीं है, अदरवाइज आपका ग्राफिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पिने इसमें एनसी हैं सारी पिने, बाकी सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हो सकता है सही से रिवॉल्व करके ना लगाया हो, इसीलिए ग्राफिक ना आ रहा था। तो अभी हम पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और वापस लगाएंगे, फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रैकें तो सारी हमारी सही है, जो एनसी पिन है वही गए हैं, बाकी सब तो सही है। और इसमें कोई मीपी कॉइल्स यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली ये लाइनें सीपीयू में ही जाती है। तो चलिए बोर्ड तो क्लीन हो गया हमारा, अभी हम सीपीयू बना लेते हैं, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेंगे। Thank you.
एक बार क्लीन कर लेंगे डिश ऑनर से, उसके बाद सही से हम बना लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं सीपीयू क्लीन हो चुका है और अभी हम रिवॉल्व कर लेंगे सीपीयू को। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्टेंसिल और ये SM7150 सीपीयू है जैसा कि आप देख सकते हैं। Stupid silence, you've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. And no, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain. We don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we'll ride. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. Give it enough. And no, I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Show me your love, baby. Show me your love. Cause I wanna be certain. We don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? Don't you feel the same? Cause I wanna be certain, we don't need to be. चलिए पीसीबी में लगा लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लक्स पहले लगा लेते हैं।
उसी लोकेशन पर डालेंगे जैसा हमने निकाला था। तो इसका जो पॉइंट होता है ऊपर के साइड, थोड़ा फ्लक्स लगाएंगे। सीपीयू हमने लगा लिया है तो अभी हम डिस्प्ले लगाकर सेट को ऑन करके देखते हैं कि हमारा जो ग्राफिक का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो चलिए थोड़ा पीसीबी को कूल होने देते हैं, जैसे मदरबोर्ड कूल होता है तो हम डिस्प्ले लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राफिक आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो अभी मैं हैंडसेट को ऑन करूँगा, ये देख सकते हैं ये इसका ग्राफिक आ चुका है और 68% पे चार्ज है ये। तो चलिए एक बार मैं आपको ऑन करके भी बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है ही बैटरी, तो एक बार ऑन कर लेते हैं यहाँ से। दोनों पॉइंट अच्छे से कनेक्ट होंगे तभी ऑन होगा ये।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हैंडसेट ऑन हो रहा है और अभी पूरी तरीके से ये ऑन भी हो जाएगा। देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। एक बार चार्जर लगा के बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से बैटरी लूज हो रही है हमारी, हालांकि ऑन हो गया था। चलिए फिर से एक बार ऑन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं M51, ये हमारा हैंडसेट ऑन होते हुए और अभी पूरी तरीके से खुल भी जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस तरीके का अगर हैंड स्किल आपको सीखना है और नॉलेज आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। 15 अप्रैल से हमारा बैच है जिसमें बुकिंग चल रही है। आपको एडवांस लेवल पे, चिप लेवल पे हम काम सिखाएंगे। बहुत ईजिली आप मार्केट में काम कर सकते हैं, हज़ारों लाखों रुपये आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो ये देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टार्टिंग पे है। थोड़ा सा ये यहाँ पर ब्राइटनेस भी कम है इसमें, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं। देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और 8639124851 पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। अगर ये नंबर बिजी आता है तो एक और नंबर है हमारा 2040, इस पर भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद एक अच्छा मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।